नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के नतीजों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मतलब ये कि रेपो रेट 4% पर बरकरार है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई डिमांड बढ़ाने के लिए रेपो रेट पर कैंची चला सकती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वेदांता लिमिटेड के शेयर बाजारों से सूचीबद्धता समाप्त करने को लेकर प्रवर्तकों की पुनर्खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत केवल 73.76 करोड़ शेयर की पेशकश की गई है, जबकि रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया समाप्त होने में केवल एक दिन ही बचा है। कंपनी के सार्वजनिक शेयर धारकों के पास मौजूद कुल 169.73 करोड़ शेयरों में से 134 करोड़ शेयर यानी 86% को बिक्री के लिए पेश किया जाना जरूरी है। शेयर बाजार में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 73.76 करोड़ शेयर की पेशकश 87.25 रुपए से लेकर 999 रुपए प्रति इक्विटी के भाव पर की गई है। कई बार ऐसा होता है कि एटीएम में निकासी की प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी पैसा नहीं निकलता है। डर तब लगता है जब आपके मोबाइल में खाते से पैसे कटने का अलर्ट भी आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में घबराना लाजमी है, लेकिन अब आपको ऐसे हालात में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक पब्लिक अवेयरनेस पहल के मुताबिक अगर आपका एटीएम लेन देन में असफल है और एक निर्दिष्ट समय के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस नहीं आता है तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी। भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। बाजारों के लिए विदेशी संकेत काफी अच्छे हैं। एसजीएन निफ्टी 30 अंकों की तेजी के साथ खुला है और फिलहाल 11,880 के आसपास ही कारोबार करता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स और नेस्टेक फ्यूचर्स में भी अच्छी मजबूती है। डाउ फ्यूचर्स में 120 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, जबकि नेस्टेक फ्यूचर्स में 30 अंकों से ज्यादा की मजबूती है। बाकी एशियाई बाजारों की बात करें तो 8 दिन बाद आज चीन के बाजार खुले हैं। शंघाई कंपोजिट में 50 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, जबकि कोरिया और ताइवान के बाजार आज बंद हैं। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते आज भी भारतीय बाजारों की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ 40,000 के ऊपर ही खुला है। निफ्टी भी 35 अंक मजबूत है और ये 11,860 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी है, ये 23,300 के ऊपर बना हुआ है। बाकी सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑटो, बैंक, मेटल, फार्मा शेयरों में तेजी का रुख है। एफएमसीजी, आईटी और रियल्टी में हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में शुक्रवार को भी कोई घटबढ़ नहीं हुई। डीजल की कीमत में 1 और 2 अक्टूबर को गिरावट रही थी। डीजल का दाम पिछले 7 दिन से और पेट्रोल की कीमत आज शुक्रवार को लगातार 17वें दिन भी स्थिर रही। पिछले एक माह में डीजल 3 रुपए प्रति लीटर से अधिक सस्ता हो चुका है। विश्व में कोरोना वायरस महामारी के चलते अभी तक कच्चे तेल की मांग में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन दिनों बाजार में बड़ी गाड़ी यानी एसयूवी खरीदने का चलन बढ़ा है। लोग अब हैचबैक और सेडान की जगह एसयूवी ही खरीदना चाहते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर कार निर्माता कंपनियां बैक टू बैक एसयूवी ही बाजार में उतार रही हैं। ऐसे में एक बार फिर टाटा मोटर्स ने अपने फ्लैगशिप एसयूवी टाटा हैरियर्स का एक शानदार और कम कीमत वाला वर्जन बाजार में उतारा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे जल्द ही दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बहाल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सफर बेहद आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा जल्द ही बहाल की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नवरात्रि से पहले जम्मू कश्मीर में कटरा के लिए ट्रेन सेवा बहाल करने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ चर्चा की गई। सिंह ने ट्वीट किया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल से दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा बहाल करने को लेकर चर्चा की गई है। नवरात्रि में पवित्र स्थल पर जाने की योजना बना रहे देश भर के श्रद्धालुओं के लिए यह जानकारी आश्वस्त करने वाली होगी। वेदांता की डीलिस्टिंग ऑफर का आज आखिरी दिन है। वेदांता की डीलिस्टिंग प्रक्रिया सोमवार को शुरू हुई थी। कल बाजार बंद होने तक 73.8 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां आई थी।
आज अब तक करीब 90% शेयरों के लिए बोलियां आ चुकी हैं। सिर्फ 10% शेयरों के लिए बोलियां आना भी बाकी है। डीलिस्टिंग के लिए 135 करोड़ शेयर चाहिए। 160 के भाव पर 17 करोड़ बोलियां आई है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने डील लिस्टिंग कामयाब होने का भरोसा जताते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो काउंटर ऑफर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऑफर को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। ब्रिटेन ने भारत सरकार से कहा है कि अभी विजय माल्या का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि विजय माल्या से जुड़ा एक गोपनीय कानूनी मामला चल रहा है और जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता उसका भारत में प्रत्यर्पण संभव नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में विजय माल्या की यह अपील खारिज कर दी थी कि भारत में उसका प्रत्यर्पण रोका जाए। इसके बाद से ही भारत सरकार ब्रिटेन पर भगोड़े कारोबारी माल्या के प्रत्यर्पण के लिए दबाव बना रही है। विजय माल्या के ऊपर बैंकों से हजारों करोड़ रुपए के लोन की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे कई आरोप हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।